अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने ये जूता बनाया है। जो ये जूता आपको 1.5 साल के बच्चे के लिए, 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए आराम से आ जाएगा, और 2 साल के बच्चा भी पहन सकता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना, इसे किस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पे कहीं भी जोड़ नहीं दिया गया है, ये देखिए, ये सारा हमने इसी तरह से सलाई से ही बना दिया है यहाँ तक। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना, किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखिए 4 मोती लगा दिया है, जो एकदम से छोटा वाला है, ये वाला लगाएंगे उसमें भी। तो उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम ये वाला ऊन लिया है और 10 नंबर का क्रोशिया सिलाई लिया है, ये देखिए। तो इसमें हम 35 फंदा डालेंगे इसके लिए, यहाँ जो है। तो इसके लिए हम 35 फंदा डालेंगे। आप चाहे तो अपने बच्चे के हिसाब से कितना उम्र है उसे आप फंदा बढ़ा सकती हैं। तो चलिए इसमें हम 35 फंदा डाल के आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम फंदा डाल लेंगे। ऐसे 35 फंदा डाल के दिखाते, ये देखिए, यहाँ पे हमने 35 फंदा डाल दिया है। और इसमें सिर्फ इस तरह से सिर्फ उल्टा बनाना है आपको, ऐसे दोनों तरफ से उल्टा बनाना है। 6 सलाई, तो आपका ये उल्टा वाला धारी 3 धारी आएगा। ऐसे इस तरह से सिर्फ उल्टा बनाना है दोनों तरफ से, ये देखिए, यहाँ से 1 2 3 3 धारी ये आपका आया है, ताकि 6 सलाई हमने यहाँ पे बनाया है। तो 6 सलाई बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने 6 सलाई बना लिया है, ये देखिए 3 धारी आपका ये आ गया है। अब हम 7वीं सलाई बनाएंगे। 7वीं सलाई में हमें उल्टा ही बनाएंगे, ऐसे 16 फंदा ऐसे बनाएंगे, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इधर हो गया, और 16 फंदा इधर रहेगा, और बाकी का यहाँ पे 3 फंदा आपको यहाँ पे बीच में, ये जो सेंटर में है, ये 3 फंदा से हमें डिजाइन बनाना होगा। तो 3 फंदा से देखिए किस तरह से डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 1 फंदा बना लिए हैं, फिर ऐसे लपेटेंगे, और फिर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 3 फंदा हो गया, ये 4 हो गया, और इसमें से आया फिर 5 हो गया, फिर एक बार लपेटेंगे तो ये देखिए 7 हो गया। यहाँ पे तीनों गिरा देंगे, और बाकी का ये 16 फंदा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट 16। ये देखिए 16 फंदा है, और उल्टे की तरफ से 8वीं सलाई, पूरा सलाई हम उल्टा ही बुनेंगे, ऐसे, ये देखिए ऐसे बुनेंगे 8वीं सलाई, फिर यहाँ तक बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं सीधे की तरफ से। तो देखिए ये 9वीं सलाई है, 9वीं सलाई हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे आपका ये 3 फंदा से आपका 7 फंदा बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे 4 फंदा बेसी हो गया है। तो इसे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस बार हम ऐसे बुनेंगे,
सीधे के तरफ से ऐसे सीधा बुनेंगे, ऐसे इस तरह से ये सिलाई पूरा करेंगे, और फिर उल्टे के तरफ से सिर्फ उल्टा बुनेंगे। तो ये सिलाई भी और ये सिलाई दोनों कंप्लीट करके फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दो दो सिलाई के बाद डिजाइन बनाया गया है, और ये डिजाइन आपको चार डिजाइन बनाया गया है देखिए। तो ये हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं, ये सिर्फ प्लेन ही बनाना है ऐसे। तो देखिए ये सिलाई भी हमने पूरा कर लिया है, हर दूसरे सिलाई में ये वाला डिजाइन बनेगा। ये देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है, ये हमने चार डिजाइन बनाया है देखिए, 1 2 3 4। तो इसके बाद अब हमें पहला बार हमने 16 फंदा बनाया था, अभी हम 18 फंदा बुनेंगे, लेकिन इस तरह से बुनेंगे देखिए, उल्टा उल्टा देखिए, दो हो गया यहाँ पे देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। यहाँ पे देखिए हमने नीचे पहले 16 फंदा बनाया था, इसके बाद हमने 18 बनाया है, 18 के बाद ये देखिए फिर से वही 3 फंदा हम इस तरह से लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ये हम 3 फंदा यहाँ पे लेंगे ऐसे, और 18 फंदा इधर रह गया है। तो फिर उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से ये हमने डिजाइन बनाया है, इस तरह से लपेटेंगे और फिर एक फंदा, तो ये देखिए 3 फंदा यहाँ पे हो गया, फिर इस ऐसे लपेटेंगे तो ये 4 और ये हो गया 5, फिर ऐसे लपेटेंगे 6 हो गया, और फिर इस तरह से बुनेंगे तो ये 7 हो गया, और ये सारा गिरा देंगे, और फिर 18 फंदा जिस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे वही बुनेंगे। 18 फंदा बनाने के बाद फिर वही उल्टे की तरफ से पूरा उल्टा उल्टा ही बनाया जाएगा। एक गिन के दिखा देते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। इसके बाद आपको ये फंदा डिजाइन बनाने के लिए आइएगा तो आपको 20 हो जाएगा, उसके बाद 22 हो जाएगा। तो ये 22 फंदा पर हम यहाँ पर आएगा, तो इस तरह से इस डिजाइन को रोक देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए उल्टे की तरफ से पूरा उल्टा बुना जाएगा, फिर हम सीधे की तरफ से आएंगे। तो जिस तरह से ये हमने सीधा बनाया है उसी तरह से सीधा ही बनाया जाएगा। तो हम पूरा सीधा बना के दो सिलाई फिर से आपको दिखाते हैं, पहले उल्टा बना ले। तो देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया है उल्टे की तरफ से, अब हम ऐसे सीधे की तरफ से इस तरह भी सीधा बुनेंगे, और फिर उल्टे की तरफ से भी आएंगे तो सिर्फ उल्टा बुनेंगे। तो आपका ये ऐसा हो जाएगा, फिर दूसरे सिलाई के बाद हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे। तो फिर ही हम सीधा बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये 4 सिलाई कंप्लीट हो गया है, अब फिर से हम यहीं पे उल्टा उल्टा बुनेंगे यहाँ पे। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। फिर से वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बच गया है देखिए, 2 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए यहाँ पे
तीन फंदा फिर से बच गया है। तो ये तीन फंदा को फिर से हम सात फंदा बनाएंगे। ये देखिए एक, फिर ऐसे लपेटेंगे तो देखिए ये तीन हो गया है, फिर ऐसे लपेट के चार, और फिर से ये पांच, फिर से ऐसे सात, और बाकी का फंदा वही जिस तरह से यहाँ पे हमने उल्टा बनाया है उसी तरह से यहाँ भी उल्टा बना लेना है। तो हम पूरा उल्टा बना के फिर आपको दिखाते हैं, और उल्टे के तरफ से पूरा उल्टा जाएगा। तो ये कंप्लीट करके फिर हम दिखाते हैं सीधे की तरफ से, सीधे की तरफ से वही बनेगा जिस तरह से ये हमने बनाया है वही बनेगा। तो हम फिर एक और डिजाइन बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना फंदा है जो हमने यहाँ पे बना लिया है, और डिजाइन शुरू करेंगे तो दो, चार, छः, आठ, और ये दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अट्ठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस। यहाँ पे देखिए 22 फंदा है, अब कोई डिजाइन नहीं बनेगा। ये देखिए चौथा डिजाइन बनने जा रहा है, नीचे से 16 से शुरू हुआ था, 16, 18, 20 और ये 22, हमेशा दो दो फंदा बढ़ाया गया है इस डिजाइन में। ये देखिए दो दो फंदा बढ़ाया गया है, इधर भी 22 फंदा है, ये आपका तीन फंदा एक्स्ट्रा है। तो इसमें हम डिजाइन बनाएंगे उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने पहले बनाया है लपेट के। देखिए तीन हुआ, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर से छह हो गया, और ये सात गिरा देंगे, और फिर ये 22 फंदा पूरा उल्टा बुन लेंगे, और फिर उल्टे के तरफ से बनाने के बाद हम आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे ये प्लेन वाला बना लिया है। अब इसमें आपका फंदा 51 फंदा इसमें रह गया है। ये देखिए ये पूरा यहाँ से देखिए हमने 35 फंदा डाला था, अब यहाँ पे बढ़ के 51 फंदा हो गया है। आप इसमें से जोड़ लीजिएगा, हर सलाई में हमने तीन फंदा से सात फंदा बनाया है। तो गिन के दिखा देते हैं, इसमें 51 फंदा है, दो, चार, छः, आठ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनतालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस, तिरालीस, चौवालीस, पैंतालीस, छियालीस, सैंतालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास, और ये 51। ये पूरे 51 फंदा आपको ऐसे देखिए पूरा हम उल्टा आपको 12 सलाई बुनेंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा, जिस तरह से ये वाला हमने बनाया है 6 सलाई, तो ये आपका तीन धारी आया है, उसी तरह से इसमें हम 12 सलाई बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमने 12 सलाई बनाया है, तो ये आपका 6 धारी आया है। ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये 6। तो इस तरह से हम पूरा 12 सलाई बनाने के बाद उल्टा उल्टा फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से जूते को सीना है, सिलाई से ही सिलाया जाएगा, सुई कहीं नहीं लगेगा। तो इसे हम पूरा कंप्लीट करके 12 सलाई आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पूरा 12 सलाई कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये 6। ये 6 धारी बन के आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 23 फंदा इधर और 23 फंदा इधर करेंगे, बीच में आपका 5 फंदा बच जाएगा। तो उसी 5 फंदे से हम पूरा सिलाई, ये जो है इस तरह से ये वाला सिलाई हम 5 फंदा से करेंगे। तो हम सबसे पहले 23 फंदा बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस,
ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस और ये बाईस और ये तेईस। ये देखिए तेईस फंदा हमने इधर बना लिया है और तेईस फंदा हमें इधर छोड़ना है, बीच का आपका पांच फंदा लेकर बुनाई करना है। तो देखिए ये दो दो चार और ये एक पांच, ये पांच भी हम इसमें ले लेते हैं। ऐसे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, ये पांच लेने का मतलब है ये पांच इस तरह से लेंगे, लेकिन इसमें से इस इधर में तेईस फंदा है। ये देख लीजिए दो चार छः आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और ये तेईस, ये तेईस फंदा है और ये वाला फंदा जो है इसमें के पांच फंदा है। तो इसे हम इस तरह से दो का एक करेंगे तो इधर आपका 22 फंदा बच गया है। हम धागा पीछे कर देंगे और सिलाई को इस तरह से घुमा लेंगे और इसे इस तरह से उतारेंगे और देखिए एक दो और ये तीन, ये तीन फंदा बुनाई करेंगे और ये जो फंदा है इसमें से इस तरह से दो का एक कर देंगे। ये देखिए फिर धागा को इस तरह से घुमा देंगे और फिर इसे उतार लेंगे और फिर एक दो और ये तीन, ये जो फंदा है फिर इसमें से ऐसे दो का एक कर देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और इस तरह से घुमाएंगे, इसे उतार लेंगे और ये जो है एक दो और ये तीन, फिर इसमें से दो का एक करेंगे। फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे, सिलाई को भी इस तरह से टर्न करेंगे और इसे उतारेंगे और फिर एक दो और देखिए तीन, फिर इसमें से दो का एक करेंगे ऐसे। फिर धागा पीछे लेंगे, सिलाई घुमा देंगे, इसे उतारेंगे और फिर एक दो और ये तीन, फिर इसको दो का एक कर देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, इसी तरह से करके हमें ये पूरा फंदा दोनों तरफ से घटा देना है। इसे देखिए उतार लेंगे और इसे इस तरह से तीन फंदा को बुनेंगे, ये लास्ट वाला जो है इसे दो का एक कर देंगे। तो ये देखिए ये आपका इस तरह से सिलाई हो रहा है, सिलाई से इसे उतारेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे फंदा जो है घटा के फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ तक हम घटा लेंगे, फिर से आपका पांच फंदा ही बच जाएगा। तो किस तरह से फिर बनाना है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह से घुमा लेते हैं, ये देखिए पूरे पांच फंदा में ये आपका सिलाई हो रहा है, एक दो तीन और इसे दो का एक, फिर इस तरह से घुमाएंगे। तो इसी तरह से करते करते हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है, यहाँ तक पूरा फंदा घटा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पांच फंदा के बजाय एक फंदा अभी है, तो देखिए इसे लास्ट है तो इसे भी घटा लेते हैं, उसके बाद किस तरह से बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और आधे घंटे में आप एक मोजा बना लीजिएगा। ये देखिए ये जो है इस दोनों को इस तरह से एक कर देंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर यहाँ पे एक है दो चार एक पांच, एक ये घटाना है वही लास्ट है। इस तरह से आपका पूरा बोट
पूरा अच्छे तरीके से सिलाई हो गया है सलाई के मदद से। ये देखिए किस तरह से सिलाई हुआ है यहाँ पे, और ये आपका ऐसे आएगा, ये देखिए। तो इसे भी सिलाई कर देते हैं, देखिए किस तरह से करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमें एक फंदा लेना होगा, लेकिन सबसे पहले हम पहले इस तरह से उल्टा बना लेते हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, और ये वाला जो है यहाँ से एक फंदा आप लीजिएगा और फिर से इस दोनों को एक कर दीजिएगा, फिर इस तरह से घुमाएंगे। हर बार आपको इसी तरह से बनाना होगा और पूरे यहाँ तक बनाना होगा। इसे उतार लिए और एक दो और ये तीन, फिर इसे इस तरह से लेंगे और इसमें से ये वाला उठाएंगे और इसे दो का एक करेंगे। इसी तरह से हर बार इस तरह से देखिए, ये उठाइए ये उठाइए, एक एक करके सारा उठाते जाइए, और उसी तरह से फिर से सिलाई होगा। जिस तरह से यहाँ से होते गया है उसी तरह से यहाँ भी आपका सिलाई हो जाएगा। ये देखिए फिर से तीन फंदा इसे बुनेंगे और इसे उतारेंगे और फिर इसे लेंगे। तो दोस्तों आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में बताएं, हम आपका कमेंट देखते हैं पढ़ते भी हैं और जवाब भी देते हैं। तो इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ये देखिए इसी तरह से ये घटेगा, तो हम पूरा घटाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ तक आ जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से इसे बना देना है। यहाँ पे देखिए ये लास्ट है, तो इसे भी इस तरह से घटा लेते हैं। ऐसे ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरफ से एक और है तो इसे भी घटा देते हैं। ऐसे और इसे भी इस तरह से लेंगे। देखिए और इसे क्या करेंगे, इसे हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद इसमें हम बांध देते हैं इसे ताकि ये खुलेगा नहीं। बांधने के बाद आप नीचे इसे किसी भी चीज से दबा दीजिएगा। अब देखिए इसे हम एक एक करके ऐसे बंद कर देंगे ऐसे। यहाँ पे आपका सिर्फ पांच फंदा ही बचेगा, जो कि आपके बीच वाला तीन फंदा से ये डिजाइन शुरू होता है और लास्ट में ये तीन फंदा ही रहता है बीच में, और आगे पीछे ये आपका एक एक फंदा, तो दोनों मिला के पांच फंदा हो जाता है। तो देखिए ये पांच फंदा 35 फंदा से डिजाइन शुरू होके आपका पांच फंदा पे खत्म हो जाएगा। इसे भी नीचे की तरफ से इस तरह से ले जाइएगा
और यहाँ पे हम मोती लगा देते हैं, जो हमने मोती ये वाला दिखाया है, ये वाला मोती इसमें लगा के आपको दिखाते हैं।